हेलो फ्रेंड्स गोल्डी किचन ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है और बताइए आप लोग कैसे हैं मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बहुत ही नई और यूनिक रेसिपी जो आप लोगों को बेहद पसंद आएगी और इसे आप ज़रूर बनाएंगे अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें तो चलिए बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं तो इसके लिए मैंने लिया है उबला हुआ आलू आलू को एकदम ज़्यादा नहीं उबालना है थोड़ा थोड़ा कड़ा ही रहने दें और उसको मैसर की सहायता से खूब अच्छी तरह से मैस कर लें ताकि उसमें कोई भी गाठे न रहें और जितना मैंने आलू लिया है उतना मैं उसमें मिलाऊंगी आरा रोट पाउडर अगर आपके पास आरा रोट पाउडर नहीं है तो आप वहाँ पे मैदा भी ले सकती हैं और पानी की ज़रूरत पड़े तो एक आध चम्मच पानी आप डाल सकती हैं ज़्यादा ना तो गीला करना है और ना ही ज़्यादा हार्ड तो इसको अच्छी तरह से खूब मुलायम आटा की तरह इसको एकदम स्मूथली गूँथ लेना है और इतना अच्छा गूँथना है कि उसमें कोई भी टुकड़ा टुकड़ा आलू का ना दिखे और ना ही रहे अब इसको खूब अच्छी तरह से गूँथने के बाद थोड़ी देर तक रख देंगे ये रेसिपी इतनी अच्छी है कि इसे बनाने और खाने के बाद तो आप बाज़ार के सारे स्नैक्स भूल जाएंगे और हम गरम गरम आलू को ही मैस करेंगे नहीं तो आलू अगर थोड़ा भी ठंडा हुआ तो वो अच्छी तरह से मैश नहीं होगा जिन बच्चों को मैक्रोनी चाउमीन नूडल्स खाना पसंद है उसे ये बहुत पसंद आएंगे एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें तो मैं इसे हाथ में तेल लगा करके छोटे छोटे बॉल्स बना करके हल्का हल्का चपटा कर लूँगी इसका साइज़ छोटा छोटा ही रखें या आपको जैसा पसंद हो क्योंकि ये उबलने के बाद इसकी साइज़ थोड़ा और बढ़ जाएगी इसी तरह से सारे बॉल्स बना करके तैयार कर लूँगी अब हमारे देखिए सारे बॉल्स बनकर तैयार हो गए इसे हल्का चपटा सेप देना है और इस टाइप का कांच का बॉटल सास या किसी भी चीज़ का आपके घर में रहता है वैसा बॉटल ले लेना है और उसे तेल में अच्छी तरह से डीप कर लेंगे अब डीप करने के बाद बॉटल को इस तरह से इस पर प्रेस करेंगे प्रेस करने के बाद तेल लगाने के बाद ये चिपकेगा नहीं उसमें और अच्छी तरह से प्रेस हो जाएगा तो देखिए कितना अच्छा मशरूम का सेप आ गया है तो आप यकीन ही नहीं मानेंगे कि आलू से बना हुआ मशरूम है जो लोग मशरूम नहीं खाते हैं या सोचते हैं कि वो नॉनवेज की तरह लगता है तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी रेसिपी है तो इसी तरह से बॉटल की मदद से सारे मशरूम को हम तैयार कर लेंगे तो देखिए हमारे सारे मशरूम बनकर तैयार हो गए हैं अब मैं लूँगी एक कढ़ाही में पानी उबलने के लिए जब पानी में उबाल आने लगे तब उसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक और नमक डालने के बाद सारे मशरूम को उसमें डाल दूंगी और डालने के बाद उसे हल्का सा चाहें तो आप चला सकती हैं नहीं तो उसे ढक करके पाँच से दस मिनट तक आप उसे अच्छी तरह से पका लें वो पकने के बाद जब अच्छी तरह से उबलने लगता है तो वो ऊपर तैरने लगता है वो तली अपने आप छोड़ देगा जब ये अच्छी तरह से उबल जाए तो हम इसे ठंडे पानी में डालेंगे क्योंकि ठंडे पानी में डालने से क्या होता है कि इसकी कुकिंग रुक जाती है ये और ज़्यादा नहीं पक पाता और गर्म रहता है तो और ज़्यादा पक जाता है तो इसे हम ठंडे पानी में डालेंगे अब इसका हम तड़का तैयार कर लेंगे तो मैं ली हूँ यहाँ पे एक कढ़ाई और जिसमें डाली हूँ मैं आयल और उसमें डालूँगी कुछ लहसुन की कलियाँ बारीक काट करके और उसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालूंगी और लंबे स्लाइस में कटी हुई हरी मिर्च डालूंगी और उसको अच्छी तरह से फ्राई करूंगी। आप इसमें आप मनपसंद की सब्जियां डाल सकती हैं लेकिन मैं यहाँ कुछ इसको माइक्रोनी स्टाइल में बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ शिमला मिर्च लिया है बारीक कटा हुआ उसको भी डालूंगी और उसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है हल्का हल्का फ्राई ही करेंगे तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा अब ये तड़का बन कर तैयार हो गया है तो हम वो मैक्रोनी की तैयारी जो हमने वो आलू का मशरूम बना करके रखा था आप उसे कोई भी नाम दे सकती हैं क्योंकि वो मैक्रोनी जैसे भी टेस्ट आएगा चाउमीन जैसे भी आएगा और नूडल्स जो नाम आप देना चाहें दे सकती हैं लेकिन है तो ये आलू से बना हुआ मशरूम अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सोया सॉस और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालूंगी अगर चिली फ्लेक्स आपके पास नहीं है तो आप रेड चिली पाउडर भी डाल सकती हैं और यहाँ पर मैंने लिया है एक चम्मच चाट मसाला चाट मसाला से इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है और मैं लूँगी थोड़ा सा नमक क्योंकि नमक मैंने पहले भी डाला हुआ था पानी में भी और उस आटे के डो में भी तो मैं यहाँ पे सोया सास आप ज़्यादा पसंद करती हैं तो थोड़ा इसकी मात्रा बढ़ा सकती हैं और इसमें खूब सारा एक चम्मच भर के डालूंगी काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और जो मैंने तड़का बना के रखा हुआ है अब मैं इसमें सारे तड़के को डाल दूँगी और इस पे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया डालूंगी और इसको दो चम्मच की सहायता से इसको अच्छी तरह से मैस कर लूँगी मैस ओ सॉरी इसको मैं मिला लूँगी तो हमारा ये मैं मशरूम बनकर तैयार हो गया है आलू से बना मशरूम आपको कैसा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये रेसिपी बना करके भी कमेंट करिए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी